राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं मौजूद हूं पटना में लालू प्रसाद यादव के आवास पे। लालू प्रसाद यादव का मतलब होता है बिहार का रियल हीरो। कल मुंबई बॉलीवुड से मनोज बाजपेयी चंपारण से लेकर मुंबई तक अपना जो करियर था उस स्थापित हीरो के रूप में मुंबई में जाने जाते हैं। बॉलीवुड के नामी हीरो हैं मनोज बाजपेयी। कल इसी आवास में मिलने पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव से। जब लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई तो मनोज बाजपेयी ने कहा, आप तो हमारे रियल हीरो हैं, बिहार के आप सुपर हीरो हैं। तो आप यह समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का आज भी क्या क्रेज है, राष्ट्रीय जनता दल का क्या आज क्रेज है कि मनोज बाजपेयी ऐसा जो हीरो है, जो रियल हीरो माना जाता है, उसका कोई किसी ने उसको मुंबई में कहीं भी मदद नहीं किया इंडस्ट्रीज में स्थापित होने के लिए। निश्चित रूप से मनोज बाजपेयी ने जब कल लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, उनका हालचाल लेने पहुंचे थे, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव बिहार के रियल हीरो माने जाते हैं। चंपारण के रहने वाले हैं और पहले भी चर्चा होते रही है कि मनोज बाजपेयी बेतिया से चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से। कल जो मनोज बाजपेयी मिले हैं लालू प्रसाद यादव से, चंपारण में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कहीं ना कहीं मनोज बाजपेयी निश्चित रूप से चंपारण से राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे आने वाले लोकसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बारे में माना जाता है कि बिहार में गरीबों की आवाज़ रहे हैं, बिहार को स्थापित करने में, बिहार का नाम स्थापित करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे, रेल को लाखों का मुनाफा दिलवाया था, राष्ट्रीय जनता दल को स्थापित किया उन्होंने, गरीबों का आवाज़ बने। आज उनके बेटा, उनके छोटे पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं और यूथ की भीड़ को आप देख सकते हैं, सभी लोग, इतना मैं वर्षों से देखता आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इतना कभी भीड़ नहीं होता था, लेकिन आज सभी विभाग के लोग जिनको युवा हैं, बड़े मात्रा में युवा प्रतिदिन तेजस्वी यादव से मिलने के लिए इस आवास पर पहुंच रहे हैं। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई सुरक्षा के नाम पर मिलने आ रहा है, कोई कहीं आ रहा है, हर विषय पे जिस दिन से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम का चार्ज लिए हैं, हजारों की तादाद में युवा इनसे मिलने आ रहे हैं, युवाओं की उम्मीद बनकर उभरे हैं। और हो सकता है कि बिहार में अगर मनोज बाजपेयी राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लेते हैं तो तेजस्वी यादव को बड़ी सफलता मिलेगी। बिहार के लिए एक बड़े ब्राह्मण चेहरा के रूप में मनोज बाजपेयी जाने जाते हैं, ब्राह्मण हैं, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को मनोज बाजपेयी को अगर तैयार कर लेता है कि चुनाव लड़ेंगे बेतिया से, तो बड़ी सफलता होगी मनोज बाजपेयी की और राष्ट्रीय जनता दल का।